नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका यूपी बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ कैफ खान। अयोध्या में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय प्रभारी के नेतृत्व में बाबरी विध्वंस के आरोपियों को कोर्ट से बाइज्जत बरी होने पर मित्र मंच के राष्ट्रीय प्रभारी शरद पाठक बाबा ने अयोध्या के हनुमान बाग में सम्मान समारोह किया, जिसमें कोर्ट से बरी हुए पूर्व विधायक पवन पांडे व बद्रीनाथ के स्वामी ओमकारानंद सरस्वती व अन्य लोगों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गए हुए कुछ घंटे ही बीते थे कि बुलंदशहर क्षेत्र के कोतवाली ककोड़ थाना क्षेत्र के इलाके में ज्वेलर के साथ लूट को अंजाम दे दिया गया। वहीं सुबह के मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ गया है। बुलंदशहर के जंगल में गोकशी करने वाले दो गोकशी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें शातिर गोकश और टॉप अपराधी 25,000 के इनामी अरमान को पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। आज रात गुलावटी थाना क्षेत्र में बरमतपुर गांव के बम्बे के पास एक पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी कुख्यात गोकश अरमान क्रॉस फायरिंग में गोली लगने से घायल हुआ है, तथा इसका दूसरा साथी अबू तलहा जो जनपद हापुड़ का रहने वाला है मौके से गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से एक बछड़ा, तमंचा, कारतूस, चाकू तथा गोकशी से संबंधित तमाम उपकरण बरामद किए गए हैं। उल्लेखनीय यह है कि घायल गिरफ्तार अभियुक्त अरमान जनपद का टॉप 10 का अपराधी था और जून माह से इसके ऊपर 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि घोषित थी। आजमगढ़ में दो दिन पहले अधिवक्ता शशि राजभर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसे नाराज साथी अधिवक्ताओं ने आज आजमगढ़ नगर के मुख्य मार्ग को जाम कर अपनी नाराजगी जताई। बलरामपुर में शासन के आदेशों पर थाना प्रभारी निरीक्षक सादुल्ला नगर और सीओ सिटी द्वारा महिलाओं को जागरूक करने के लिए शक्ति मिशन के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। आजमगढ़ में शराब पीने के लिए पैसा ना देने पर सुरेंद्र प्रजापति ने की पत्नी की गला दबाकर हत्या। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है मृतका सुनीता प्रजापति 4 बच्चों की मां भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन मिशन शक्ति महिला हेल्प डेस्क का किया शुभारंभ। नवरात्रि के सप्तम काल रात्रि के दिन नारी शक्ति जागृत करने में उत्तर प्रदेश पुलिस का ठोस कदम बताया जा रहा है। या फिर स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम के लिए 102, या फिर एम्बुलेंस सेवा में 108, या पुलिस की हेल्प के लिए 112 की सुविधाएं हैं, या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का है, इन सब का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें के भारत। नमस्कार।